ओ सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय क्षेत्र के 319वें वेबिनार के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। दीपावली के अगले दिन एक शाम महर्षि दत्त के नाम भव्य संगीत संध्या। आप सब लोगों की इच्छा रहती है कि मैं भजन बोलूं, तो आज भजनों का ही कार्यक्रम रखा हुआ है। एक लोकगीत का कार्यक्रम एक दिन और रखेंगे इस महीने किसी दिन, वो भी आपको जल्दी बता देंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ माता प्रवीण ठक्कर जी से, मुंबई से, गायत्री मंत्र का पाठ और एक भजन, उसके बाद वीरेंद्र ओझा जी तैयार रहेंगे। आइए प्रवीण माता जी। सभी को सादर नमन। जी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुख और कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण दिन निमित्त हम लोग उनकी श्रद्धांजलि के लिए गीत गाएं, छोटा सा भजन। देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा। देखा न कोई दूजा, एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला। साथ में नहीं था कोई चेली न कोई चेला। दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला। हर दम रहा खड़ा वो सुदृढ़ चट्टान जैसा। देखा न कोई दूजा, देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। देखे अनेक त्यागी, देखे अनेक त्यागी, ऋषिराज सा न कोई। दिल था विशाल इतना, है आसमान जैसा। देखा न कोई दूजा, है यार यो मेरी तुम। समाधि नहीं बनाना मेरे तन की राख लेकर,
खेतों में जा गिराना, वेदों के पथ पे चलना, वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना, बन जाए श्याम जीवन, ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता प्रेमी ठक्कर जी मुंबई से। अब मैं भक्ति करता हूँ वीरेंद्र ओझा जी पथारा गोरपट्टी परिषद के पूर्व कोषाध्यक्ष। आएंगे वीरेंद्र जी, उसके बाद आप सबको सादर नमस्ते। एक ऋषि गीत, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान टल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान टल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान टल गया होता। चमक उठता जमाने में दोबारा वेद का सूरज, चमक उठता जमाने में दोबारा वेद का सूरज, जहालत मिट गई होती, जहालत मिट गई होती, अंधेरा टल गया होता तो ये आंधी नहीं उठती, के तूफान टल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता। कहीं मजलूम ना रोते, कहीं निर्दोष ना मरते, कहीं मजलूम ना रोते, कहीं निर्दोष ना मरते, तबाही का जो आलम है, तबाही का जो आलम है, वो सारा जल गया होता तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान टल होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान टल गया होता। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र ओझा जी। अब ऋचा गुप्ता जी आरिस में बदल गिर से विजय गुप्त जी की सुपुत्री आएगी एक गीत, फिर रविंद्र गुप्ता जी तैयार है। आइए ऋचा जी। ईश्वर तुम्हारी ये सृष्टि तुम्हारा ही संसार है, इस धरा से उस गगन तक तेरी सत्ता का विस्तार है। इस सभा में आए सभी बंधुओं को ऋचा गुप्ता का नमस्कार। सर्वप्रथम ये काम करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं ये पंक्तियां मेरे पिताजी की ही हैं,
और जो गीत अभी सुनाने जा रही हूँ वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है। युग युग का अंधेरा दूर करे, हर दिशा प्रकाश मान करे, ओम पताका ले हाथों में जग जननी का कल्याण करे। युग युग का अंधेरा दूर करे, हर दिशा प्रकाश मान करे, नव कलिया नव सुमन खिले, विश्व का पूरा चमन खिले, धरा अपना श्रृंगार करे, नव ज्योति से गगन खिले, नव ज्योति से गगन खिले, वेदों की अमृत वाणी से आओ प्रभु का गुण गान करे, ओम पताका ले हाथों में जग जननी का कल्याण करे, युग युग का अंधेरा दूर करे, हर दिशा प्रकाशमान करे, कदम मिला कर बढ़ते जाए, तूफानों से लड़ते जाए, आर्य युवा शक्ति के हाथों नव युग को हम गढ़ते जाए, नव युग को हम गढ़ते जाए, सबके नव चिंतन में हम वेदों का शुभ ज्ञान भरे, ओम पताका ले हाथों में जग जननी का कल्याण करे, युग युग का अंधेरा दूर करे, हर दिशा प्रकाशमान करे, श्रद्धानंद दयानंद हमारे, विवेकानंद आँखों के तारे, जीवन चंदन यज्ञ समर्पित कर्म है जिनके उजियारे, कर्म है जिनके उजियारे, आओ श्रद्धा से नमन करे, युग पुरुषों का सम्मान करे, ओम पताका ले हाथों में जग जननी का कल्याण करे, युग युग का अंधेरा दूर करे, हर दिशा प्रकाशमान करे, ओम पताका ले हाथों में जग जननी का कल्याण करे, युग युग का अंधेरा दूर करे, हर दिशा प्रकाशमान करे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद हमारा। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि दिनेश खन्ना जी से जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। आज के अध्यक्ष सुदेश वीर आर्य जी, धर्मपत्नी यश वीर आर्य जी, आर्य सूर्य जी के तरफ से उनका भी स्वागत है। आप सबका स्वागत करते हुए प्रतिभा कटारिया जी को आमंत्रित करूंगा, अपनी रचना प्रस्तुत करें। आर्य आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी और मेरी और सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। तो आओ हम भी अपने राज्य का राम राज्य की तरह निर्माण करें, इस पर एक छोटी सी कविता। आओ हम निर्माण करें देश का मिलकर काम करे, आओ हम निर्माण करे देश का मिलकर काम करे, हर बगिया में फूल खिले, झोपड़ियों में दीप जले, हर बगिया में फूल खिले, झोपड़ियों में दीप जले, आओ आओ
आओ ऐसे युग का निर्माण करे जिसमें हो सबकी बराबरी, ऐसे युग का निर्माण करे जिसमें हो सबकी बराबरी, हर तरफ हो धरती हरी भरी, मानवता ना हो डरी डरी, हर तरफ हो धरती हरी भरी, मानवता ना हो डरी डरी, ऐसा हो जग का नया रूप जहां हर दुखिया के स्वप्न पले, आओ 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 हम निर्माण करें देश का मिलकर काम करें, हर बगिया में फूल खिले झोपड़ियों में दीप जले, आओ 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 वीरान बने कानन बन सा, हर पन घट हो वृंदावन सा, वीरान बने कानन बन सा, हर पन घट हो वृंदावन सा, हर नारी हो झांसी रानी, हर नारी हो झांसी रानी, महके ये भारत मधुबन सा, ऐसा हो जग का नया रूप जहां हर दुखिया के स्वप्न पले, ऐसा हो जग का नया रूप जहां हर दुखिया के स्वप्न पले, आओ 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 हम निर्माण करें देश का मिलकर काम करें, हर बगिया में फूल खिले झोपड़ियों में दीप जले, आओ। अब एक छोटी सी गौ माता पर कविता गोवर्धन पूजा के उपलक्ष में। गाय तो विश्व की अनमोल निधि है, गाय तो विश्व की अनमोल निधि है, गाय भाग्य बदलने की सात्विक व बलशाली है, गौ का दूध सात्विक व बलशाली है, मूत्र इसका सफल चिकित्सा प्रणाली है, मूत्र इसका सफल चिकित्सा प्रणाली है, गौ वंश से खेत में हल चलता है, गोबर से इसके गैस प्लांट बनता है, घी इसका दीपक में प्रकाश करता है, हवन से जल कीटाणु नाश करता है, इसका चाम हड्डी भी हमारे काम आए, उपले ईंधन बन जले राख रोग मिटाए, इसका मूल्य तो कृष्ण व दयानंद जानते थे, इसका मूल्य तो कृष्ण व दयानंद जानते थे, सेवा में गाय की धर्म व आनंद मानते थे, सेवा में गाय की धर्म व आनंद मानते थे, परंतु परंतु गोपाल के देश में ही हो रहा गौवध है, गोपाल के देश में ही हो रहा गौवध है, शर्म की बात है ये वा पतन की हद है, शर्म की बात है ये वा पतन की हद है, मां तुल्य गौ का पवित्र रक्त बह रहा है, मां तुल्य गौ का पवित्र रक्त बह रहा है, इसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कह रहा है, इसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कह रहा है, हम सबकी मांग है ये गो हत्या बंद हो, हम सबकी मांग है ये गो हत्या बंद हो, ये आवाज हर गांव हर शहर से बुलंद हो, ये आवाज हर गांव हर शहर से बुलंद हो। धन्यवाद अनिल भैया समय जल्दी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा कटारे जी। अब गाजियाबाद से संतोष शर्मा जी जुड़िए, एक बतौर भजन गीत सुनाएंगे। अनिल जी मेरा नंबर था ना, कोई बात नहीं, उन्होंने लिखा है जल्दी कर दो, इसके बाद आप बोल लेना। आओ संतोष शर्मा जी आइए।
संतोष शर्मा जी आ रहे हैं। चलो और रविंद्र गुप्ता जी आप आ जाओ, उनका मैसेज आया था। नमस्ते भाई जी। नमस्ते दिनेश जी, अभी बुलवाते हैं। आइए गुप्ता जी आओ। सभी श्रोताओं को मेरा नमन, स्वागत। आज का विषय है एक शाम ऋषि दयानंद के नाम। आइए ऋषि गीत से चालू करते हैं। मेरे को एक बोलना है या दो बोलने हैं? अभी एक बोल लो, उसके बाद एक और थोड़ी देर बाद। ठीक है। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, आग पानी में दयानंद लगा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती, जिनके पैरों में न पायल थी न मुख पर बिंदिया, जिनके पैरों में न पायल थी न मुख पर बिंदिया, ऐसी अबलाओं की भी मांग सजा दी तूने, ऐसी अबलाओं की भी मांग सजा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, आग पानी में दयानंद लगा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती, तेरी निष्ठा का कोई मूल्य चुकाए कैसे, तेरी निष्ठा का कोई मूल्य चुकाए कैसे, बुझती हुई वेद क्षमा फिर से जला दी तूने, बुझती हुई वेद क्षमा फिर से जला दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती, ढूंढा इतिहास में देखा न सुना ऋषि के जैसा, ढूंढा इतिहास में देखा न सुना ऋषि के जैसा, अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने, अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती, दूसरा कृष्ण तुम्हें कहने को दिल करता है, दूसरा कृष्ण तुम्हें कहने को दिल करता है, बांसुरी वेद की दुनिया में बजा दी तूने, बांसुरी वेद की दुनिया में बजा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती, भुला पाएगी न दुनिया ऋषिवर तुझको, भुला पाएगी न दुनिया ऋषिवर तुमको, आग पानी में दयानंद लगा दी तूने, आग पानी में दयानंद लगा दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुतार, बहुत सुतार ऋषि जी की रचना, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी।
अब गाजियाबाद से संतोषर बजे आज एक भजन। हाँ जी अनिल जी आवाज आ रही हाँ, मेरी आ रही है जी बोलिए। आ रही है मेरी। हाँ जी आ रही है बोलिए। हाँ आपका तो उर्मिला जी गुड़गांव से क्या रहे। कल ऋषि निर्वाण दिवस था तो कल ही मैंने एक नया भजन बनाया उनके ऊपर, वही मैं सुना रही हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपने मतलब मेरा रिक्वेस्ट देखी। करे अर्पण हम श्रद्धा सुमन, करे अर्पण हम श्रद्धा सुमन, ऋषि की आज है पुण्य तिथि, ऋषि की आज है पुण्य तिथि, ऋषि तुमको शत शत नमन, ऋषि तुमको शत शत नमन। जग में जो आएगा जाएगा, सृष्टिकर्ता का ये है चलन, जग में जो आया है जाएगा, सृष्टिकर्ता का ये है चलन। जन्म मृत्यु गतिशील है, अंत से ही तो होता सृजन, ऋषि तुमको है शत शत नमन। ज्ञान वेदों का देके हमें, ओम से हमको मिलवा दिया, ज्ञान वेदों का देके हमें, ऋषि ओम से हमको मिलवा दिया। भूलेंगे ना जो तूने किया, हम आर्यों का ये है वचन। ऋषि तुम था तो निर्भीक था, सामने ना किसी के झुका, तू निडर था तो निर्भीक था, सामने ना किसी के झुका, कोई लालच न था डर न था, ऐसा था तुझ में वो बांकपन। ऋषि तुमको शत शत नमन। काली अंधियारी वो रात जलता दीपक एक बुझ गया, काली अंधियारी वो रात थी, जलता दीपक एक बुझ गया, शत्रुओं ने दिलाया जहर, हुआ परलोक तेरा गमन। ऋषि तुझको शत शत नमन। देखिए प्रथा कितना उदार, जाने से पहले क्या कर गया, देखिए था वो कितना उदार, जाने से पहले क्या कर गया, दे क्षमा दान उसको गया, जिसने तेरा किया अंत तन। ऋषि तुझको शत शत नमन। बुझ गया पर नहीं है बुझा, तू गया पर नहीं है गया, ऋषि कब मरने वाले हैं, ऋषि तो हमारे सबके दिलों में बसे हुए हैं। बुझ गया पर नहीं है बुझा, तू गया गया, जिंदा सबके दिलों में है तू, जिंदा सबके दिलों में है तू, भूलेगा ना तुझे ये वतन। ऋषि तुझको शत शत नमन। तुझी आदेश के ही लिए, देश के ही लिए तू गया, हो गया तू अमर दुनिया में,
भूलेगा ना तुझे कोई मन, ए ऋषि तुझको शत शत नमन। हमें संतोष बस यही है, तेरी ही राह के राही हम। हमें संतोष बस यही है, तेरी ही राह के राही हम। वेद ज्योति जलेगी सदा, वेद ज्योति जलेगी सदा, सुखी होगा तेरा ये चमन। ए ऋषि तुझको शत शत नमन, करे अर्पण हम श्रद्धा सुमन। ए ऋषि तुझको शत शत नमन। धन्यवाद अनिल जी, आपने टाइम दिया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। अब मैं कमला जी भी क्लास से आमंत्रित करूंगा एक मधुर भजन। कमला जी आ जाए। धन्यवाद। आवाज आ रही है? अरे आप बोली नहीं आएंगे तो मैं खुद बताऊंगा। रिकॉर्डिंग चल रही है, फेसबुक लाइव चल रहा है। ओम विश्वानी देव सवि दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ऋषि का गीत बोल रही हूँ। ना कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। नदी के पानी का बन के रेला, विजय के पथ पर चला अकेला। प्रभु की धुन में अधीर बन कर, निकल पड़ा था फकीर बन कर। वह ब्रह्मचारी नया नवेला, विजय के पथ पर चला अकेला। ना कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। पवित्र वेदों की शक्ति पाने, आडंबरों की जड़ें हिलाने। वह बन गया वीर जानंद का चेला, विजय के पथ पर चला अकेला। पवित्र वेदों की शक्ति पाने, उधर विरोधी जहान सारा। इधर अकेला प्रभु का प्यारा, ना पास पैसा ना एक धेला। विजय के पथ पर चला अकेला, नदी के पानी का बन के रेला। कदम कदम पर बनावटें थी, विरोधियों की रुकावटें थी। सभी तरफ था यही झमेला, विजय के पथ पर चला अकेला। ना कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। किसी ने उसको जहर पिलाया, किसी ने तलवार से डराया। किसी ने मारा उठा के ढेला, विजय के पथ पर चला अकेला। सबर का दामन कभी न छोड़ा, न अपनी मंजिल से मुख मोड़ा। सबर का दामन कभी न छोड़ा, न अपनी मंजिल मुख ही मोड़ा। हजार संकट खुशी से झेला,
विजय के पथ पर चला अकेला, ना कोई साथी सखा सहेला। विजय के पथ पर चला अकेला, पथिक कपट छल को मात देती, फंसे हुए को निजात देती। बड़ी कुशलता से खेल खेला, विजय के पथ पर चला अकेला। ना कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। ओम ओम, धन्यवाद आपका टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माता कमला जी, विकासपुर डी ब्लॉक से। अब दिनेश प्रसाद जी गाजियाबाद से एक मधुर बचन। ओम सभी आदमी को सादर नमस्ते, नमस्ते जी, स्वागत। आज ऋषि के चरणों में समर्पित एक गीत, जैसे ऋषिवर ने गुरुदेव के समक्ष प्रतिज्ञा किया था, उसी तरह हम आर्यों को आज इस दीपावली पर ऋषिवर के निर्माण दिवस पर एक संकल्प लेना होगा, तभी यह देश आर्य राष्ट्र बन पाएगा। दुनिया में जहालत फैली है, पापों ने डेरा डाला है, वेदों का ज्ञान है लुप्त हुआ, घर घर में आज अंधेरा है, वेदों का सूरज चमका, अज्ञान अविद्या दूर करो। करना है जो जीवन दान करो, करना है जो जीवन दान करो, जीवन दान से क्या होगा, अपना कर तब निभाओ तुम, यही है दयानंद रास तुम्हें से। और स्वामी बिरजानंद ने अपने शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती को यह आदेश देकर, ऋषिवर ने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया अपने जीवन को, हम सभी को आज इसी प्रतिज्ञा को पुनः अपने जीवन में धारणा होगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा इस वैदिक धर्म की वेदी पर, मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। धन पास नहीं तन मन अपना, श्री गुरु चरणों में धरता हूँ, गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा करके, अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना कर्तव्य निभाऊंगा इस वैदिक धर्म की वेदी पर, मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। हो
जनहित के लिए पिस के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगा, उफ तक न करूंगा सोलों पर हंसते हंसते मैं जी लूंगा। कांटों से भरी इन राहों पर, कांटों से भरी इन राहों पे फूलों की तरह मुस्का दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते तूफानों का मुख मोड़ता, मैं सागर को मथ डालूंगा पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा। वेदों की अमृत वाणी का घर घर में, घर घर में नाद बजा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। और अंतिम पंक्ति है, जितने भी भाई जुड़े हुए हैं उन सबके लिए एक विशेष संदेश। जब शीश आपका उठ करके वेदों का बिबुल बजाएगा, एक बार जमाना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा। भारत की पावन धरती को फिर से मैं स्वर्ग बना दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी पूरी करके बतला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। दिनेश खन्ना जी को बहुत बहुत साधुवाद। अब आमंत्रित करता हूँ मेरठ से कमलेश छात्रा जी, फिर हरजीत चुग जी, उसके बाद आज के मुख्य अतिथि दिनेश खन्ना जी आएंगे। आइए कमलेश जी, आप बोलिए। एक ही गीत को 10 लोग बोलेंगे तो अलग अलग आनंद आएगा। हर एक की टोन अपना अलग अलग होती है, इसलिए ये मत सोचो कि किसी ने पहले गा लिया। आप भी गाइए। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते जी। मैंने ये भजन तैयार किया था, चलो कोई नहीं, मैं प्रभु भक्ति का बोल देती हूँ। मैं कहता हूँ 50 लोग हो तो 50 बोलो एक ही भजन को, कोई दिक्कत नहीं है। सबके एकदम उसके बाद दोबारा बोलना हो जाता है ना, जस्ट कोई बात नहीं, प्रभु भक्ति का बोल देते हैं। स्वागत है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है, वो तो तेरे दिल के पास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, ये जो मनुज तन मन प्राण है, ये प्रभु मिलन का सामान है।
तेरी हर खुशी तेरे घर में है, तेरी हर खुशी तेरे घर में है, फिर किस लिए तू दास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है, दो घूंट जल भी ना पिया, ए मनुज तूने क्या किया, कब से नदी तट पर खड़ा, कब से नदी तट पर खड़ा, फिर भी बुझी नहीं प्यास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है, वो तो तेरे आस पास है, काहे दर बदर तू भटक रहा, कब से कुराहों पर चल रहा, तेरा हर कदम निष्फल रहा, मथनी को जल में चला रहा, मथनी को जल में चला रहा, और घी निकलने की आस है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है, वो तो तेरे आस पास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है, फूल टूट कर खिलता नहीं, नर्तन भी फिर मिलता नहीं, ना वीरान कर तू पथिक इसे, ना वीरान कर तू पथिक इसे, मिला मखमली ये लिबास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है, वो तो तेरे आस पास है, काहे दर बदर तू भटक रहा, वो तो तेरे दिल के ही पास है। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरठ से कमलेश यादव जी, बड़ा सुंदर भजन ईश्वर भक्ति का। दीप्ति सपना भी जुड़ गई, उनका स्वागत करता हूँ। अब ये संतोष दर्जी को भी समय मिलेगा कुमार से। पहले हम आएगी राजनी चौक जी आर एस मदर्शनगर से, उसके बाद आज के मुख्य अतिथि खन्ना जी तैयार है, फिर दीप्ति जी। आइए राजनी जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत। मैं श्री देव दयानंद को शत नमन। सूर्य सोने चल दिया सितारों को जगाकर, सूर्य सोने चल दिया सितारों को जगाकर, एक दीपक बुझ गया लाखों चिरागों को जलाकर। कह रहे ऋषि प्रेमी आज, कह रहे ऋषि प्रेमी आज, दिवाली मनाकर एक ऋषि चल दिए हमें जीना सिखाकर, एक ऋषि चल दिए हमें जीना सिखाकर। ए ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम बोल नहीं सकते हैं, दी तूने जो कुर्बानी। ए ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं, दी तूने जो कुर्बानी। तू धर्म का था दीवाना, सच्चाई का परवाना, तू धर्म का था दीवाना, सच्चाई
झुका सत्य के आगे, तू झुका सत्य के आगे, तेरे आगे झुका जमाना, सुन के तेरी अद्भुत वाणी, सुन के तेरी अद्भुत वाणी, दुनिया हो गई दीवानी, हम भूल नहीं सकते हैं, दी तूने जो कुर्बानी, ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं, दी तूने जो कुर्बानी, बन सच्चा सेवक तूने की देश धर्म की सेवा, बन सच्चा सेवक तूने की देश धर्म की सेवा, लाखों तेरे अनुयायी इस सेवा का ये मेवा, लाखों तेरे अनुयायी इस सेवा का ये मेवा, मिलकर जो आज हम बैठे सब तेरी मेहरबानी, हम भूल नहीं सकते हैं, दी तूने जो कुर्बानी, ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं, दी तूने जो कुर्बानी, थी धन्य तुम्हारी माता जिसने था तुमको जाया, थी धन्य तुम्हारी माता जिसने था तुमको जाया, धन्य गुरु विरजानंद जिसने पलट दी काया, उस लासानी योगी ने, लासानी होते हैं जो अद्भुत अनुपम अद्वितीय होते हैं, उस लासानी योगी ने किया तुझको भी लासानी, हम भूल नहीं सकते हैं, दी तूने जो कुर्बानी, ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं, दी तूने जो कुर्बानी, दी तूने जो कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद जी चुक जी, आरिस प्रदर्शनगर से, बहुत अच्छा भावपूर्ण गीत। अब आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य अतिथि हमारे सबके प्रिय श्री दिनेश खन्ना जी, प्रीता खन्ना जी के पतिदेव, आइए 10-15 मिनट के लिए दो तीन गीत। खन्ना जी, केंद्रीय हरि योग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सुदेशवीर आर्य जी एवं सभा में उपस्थित सभी आर्य बंधुओं को सादर नमस्ते। इस कोरोना काल में लगातार अपने वेबिनार के द्वारा हमारा मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी का बहुत ही धन्यवाद और अभी अभिवादन करता हूं। इस कोरोना काल को डॉक्टर साहब ने एक सुअवसर में बदल दिया है, अपने वेबिनारों के द्वारा ये विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। इसके लिए मैं इनका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आज 309 अनिल आर्य जी, 308 है, 309 है, 309 आज 309 वेबिनार है और विषय है एक शाम महर्षि दयानंद जी के नाम। कोरोना काल से पहले ये कार्यक्रम दिल्ली हार्ट
जैसे स्थानों पर हुआ करता था, परंतु समय को देखते हुए इन्होंने इस कमी को खलने नहीं दिया और आज इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्यता के साथ ऑनलाइन चला रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने नाम के अनुरूप विशाल हृदय और दया के भंडार थे, जिन्होंने अपने हत्यारे जगन्नाथ को भी क्षमा कर दिया। उन्होंने अपने लिए कोई आश्रम या कोई मठ ऐसी कोई चीज नहीं बनाई और वो केवल प्राणी मात्र के कल्याण, अंधविश्वास को दूर करने और वेदों के प्रचार के लिए ही काम करते रहे। ऐसे महापुरुष की स्मृति में आज के विषय के अनुरूप कार्यक्रम रखने के लिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं और इस तरह के कार्यक्रम होते भी रहने चाहिए, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे हैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की वजह से ही इकट्ठे हैं। तो कुछ भजन 10-15 मिनट की अवधि, जैसे डॉक्टर साहब ने बोली है, तो 2-3 भजन। देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, कोई पास में नहीं था, चेली न कोई चेला, दुनिया का हर सितम वो मर्दानगी से झेला, हरदम अड़ा रहा वो सुदृढ़ चट्टान जैसा, देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा, देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई, देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई, जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई, देखे कई त्यागी ऋषि राज सा न कोई, दिल था विशाल इतना जैसे आसमान जैसा, देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा, आर्यों तुम समाधि मेरी नहीं बनाना, आर्यों तुम समाधि मेरी नहीं बनाना, मेरे तन की राख लेकर खेतों में जागिराना, वेदों की ओर चलना संसार को चलाना, बन जाए सबका जीवन ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। आइए एक और गीत
सुनो ऋषि की कहानी, था वो ज्ञानियों का ज्ञानी, किया दूध का दूध और पानी का पानी। सुनो ऋषि की कहानी, था वो ज्ञानियों का ज्ञानी, किया दूध का दूध और पानी का पानी। सुनो ऋषि की कहानी, निकल पड़ा जब मस्ती में वो, ओम का झंडा लेकर, ओम का झंडा लेकर, दूर हुआ पाखंड देश से, जागृति हुई घर घर, जागृति हुई घर घर। आओ हम सब मिलकर बैठे बोले दयानंद की वाणी, किया दूध का दूध और पानी का पानी। आओ हम सब मिलकर बैठे बोले दयानंद की वाणी, किया दूध का दूध और पानी का पानी। सुनो ऋषि की कहानी, था वो ज्ञानियों का ज्ञानी, किया दूध का दूध और पानी का पानी। आजादी का पाठ पढ़ाया, देश में क्रांति कराई, देश में क्रांति कराई, वेदों का सच्चा अर्थ बताया, लोगों की भ्रांति मिटाई, लोगों की भ्रांति मिटाई, स्त्रीता को बढ़ाया, रोकी पुरुषों की मनमानी, किया दूध का दूध और पानी का पानी। स्त्री शिक्षा को बढ़ाया, रोकी पुरुषों की मनमानी, किया दूध का दूध और पानी का पानी। सुनो ऋषि की कहानी, था वो ज्ञानियों का ज्ञानी, किया दूध का दूध और पानी का पानी। छुआछूत को जड़ से मिटाकर, सबको जीना सिखाया, सबको जीना सिखाया, विधवाओं का ब्याह कराया, नारी को पूज्य बताया, नारी को पूज्य बताया, अपना बल जो दिखलाया, हुई सबको हैरानी, किया दूध का दूध और पानी का पानी। सुनो ऋषि की कहानी, था वो ज्ञानियों का ज्ञानी, किया दूध का दूध और पानी का पानी। तो ऋषि की कहानी और महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनके केवल संपर्क में आने से जीवन बदल गया, ऐसे ऋषि को शशत नमन। आइए एक भजन। ओ मेरे ऋषि दयानंद, प्यार या तेरी जिंद हजारान उतारे, या मेरे ऋषि दयानंद, प्यार या तेरी जिंद हजारान उतारे, या मेरे ऋषि दयानंद। जद पिता दे कहने ते सत्संग दा पीता जामसी, जद पिता दे कहने ते सत्संग दा पीता जामसी, बन गया ओ शरधानंद जेड़ा विगड़या मुंशी राम सी। मेरे ऋषि दयानंद, प्यार या तेरी जिंद हजारान उतारे, या मेरे ऋषि दयानंद। चल पेशावर शहर तो अजमेर पहुंच के दम लिया, चल पेशावर शहर तो अजमेर पहुंच के दम लिया, श्री चरणा विच बैठ के मन लेख राम ने रंग लिया। मेरे ऋषि दयानंद, प्यार या तेरी जिंद हजारान उतारे, ऋषि दयानंद। नासरिते दर्शेगा मुनि गुरत नसतिक रे दर्शन करके,
खिल गया आनंद प्यारे आ मेरे ऋषि दयानंद, सुन तेरे उपदेश नु लख डूबदे तर गए, सुन तेरे उपदेश नु लख डूबदे तर गए, पथिक वर्गे लोग भी नर जीवन सफला कर गए, मेरे ऋषि दयानंद प्यारे आ तेरी निंद हजारां उतारे आ, मेरे ऋषि दयानंद चिकड़ दे विच हीराए सुन शब्द रमी चंद डोले आ, चिकड़ दे विच हीराए सुन शब्द अमी चंद डोलिया, तेरी दया दा साबुन ला उस जीवन अपना डोलिया, मेरे ऋषि दयानंद प्यारे आ तेरी जिंद हजारां उतारे आ, मेरे ऋषि दयानंद प्यारे आ तेरी जिंद हजारां उतारे आ, मेरे ऋषि दयानंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज के युवा कवि, युवा गायक कलाकार दिनेश खन्ना जी सीए, विजेता खन्ना जी पीछे अध्यक्ष बनी थी, उस दिन कार्यक्रम नहीं हो पाया था, अगर वो कुछ कह सके तो स्वागत है उनका। विजेता जी वो घर पे नहीं है अभी, बाहर है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देवेंद्र आर्य सुमन जी शायद जुड़े हैं मोबाइल से, अगर वो एक गीत सुना सके बिना साज आवाज के तो स्वागत है। देवेंद्र आर्य सुमन जी आज पश्चिम बिहार से जुड़ रहा था, देवेंद्र सुमन जी बोलेंगे कुछ। चलो संतोष दर्जी गुड़गांव से, अरिता गुरेजा जी का आया था शायद मैसेज, अरिता गुरेजा जी आप बोल लेंगे, दो बच्चे आए हुए सी ब्लॉक जनकपुरी से, आसिफ और विकी, वो आ जाए एक भजन सुना दे। सुनाए क्या? नमस्ते। नमस्ते जी, भी चल रहा है अभी, सुनाते हैं नंबर। हाँ जी अभी आता आपका नंबर। मैं बोलू जी, अरिता गुरेजा। हाँ रीता जी आप बोल लो जी, फिर वकी आ जाएगा जी। थैंक यू। सभी को सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है मेरी? आप बोलिए, नहीं आएंगे मैं खुद बोलूंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, फेसबुक लाइव चल रहा है, सारा कार्यक्रम गलत हो जाता है। उम्मीदों की राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया, उम्मीदों की राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया, वो शिवरात्रि को सभी सो गए थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया, वो शिवरात्रि को सभी सो गए थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया, कि छोटी उम्र में हुआ तू बैरागी, कि छोटी उम्र में हुआ तू बैरागी, कहाँ सूझती थी तुझे अपनी शादी, प्रभु से मिलन की तड़प ली के स्वामी, तेरा घर से जाना गजब हो गया, वो शिवरात्रि को सभी सो गए थे,
तेरा जाग जाना गजब हो गया, हुआ शौक तुझको सत्याचरण का, हुआ शौक तुझको सत्याचरण का, करने को हासिल इलम व्याकरण का, दयानंद तेरा विरजानंद दंडी की कुटिया में जाना गजब हो गया, ओ वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा घर से जाना गजब हो गया, बिस्तर पे अंतिम समय जब पड़े थे, बिस्तर पे अंतिम समय जब पड़े थे, सारे बदन पर फफोले पड़े थे, मगर इतनी मुश्किल और कष्ट में भी तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, वो शिवरात्रि को सभी सो गए थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया, ओ वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया, विजय धर्म की जब मुश्किल पड़ी थी, विजय धर्म की जब मुश्किल पड़ी थी, वतन पर गुलामी की बेड़ी पड़ी थी, वतन पर गुलामी की बेड़ी पड़ी थी, दयानंद तेरा आजादी की पहली चिंगारी लगाना गजब हो गया, वो शिवरात्रि को सभी सो गए थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया, ओ वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया, तेरा जग में आना गजब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद अनीता गुरेजा जी। इससे पहले कि देवती सप्रा जी आए, बच्चों का एक गीत आसिफ और विक्की आ जाएगी आरिस्पा शिवला की जनपुरी से, उसके बाद दीप्ति सप्रा जी तैयार रहेगी। सभी आर्यजनों को हमारी सादर नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत है। ऋषियों पे बार डाल, ऋषियों को बार डाल, ऋषि दया से ऋषियों को बार डाल, ऋषि दया करते हाँ, उस योगी का चेहरा चेहरे का रंग सुनहरा, फिर देख के उन आंखों को ना सामने पापी ठहरा, तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें बचाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बचाया, Thank you.
के शक्ति ये लोग कहा करते थे मैं आना जाए कहीं काशी सब पोप डरा करते थे सब पोप डरा करते है उसकी जुबा में कोई कुछ ऐसी बला का जादू साथ में सुन कोई भी पा न सकेगा ताबू तारी बोल गया उसकी जिसने हमें बचाया तारी बोल गया उसकी जिसने हमें बचाया जब पहुंच गए वो काशी वो पोका दिल घबराया सग पानी सागर सनी सनी पग पानी सागर सा जब पहुंच गए वो काशी का दिल घबराया सबके मुख पर चढ़ जाती देखो दयानंद आया देखो दयानंद आया पर जितने के पुजारी पंडे जब देखा स्वामी जी को सब भूल रहे हथकंडे तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बचाया तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बचाया दर्द दबाओं का वो बन के सहारा प्रचार गया वेदों का सोया हुआ देश जगाया सोया हुआ देश जगाया ले उम्रता का कर में वो बढ़ते गए ब्रह्मचारी ना रोक सका कोई उसको वो था ऐसा बलकारी तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बचाया तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बचाया आने को तो इस दुनिया में महापुरुष आने को आए बेदाग दयानंद जैसा जीवन न कहीं भी पाए जीवन न कहीं भी पाए निर्दोष गया मैं जग से कोई दोष न उनमें पाया बस दयानंद सावे ही एक दयानंद ही पाया तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बचाया तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बचाया उस योगी का चेहरा चेहरे का रंग सुनहरा फिर देख भी उन आंखों को ना सामने पापी ठहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बचाया तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बचाया तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बचाया बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ और विक्की जी का आप आमंत्रित करता हूँ सदाबहार कलाकार
दीप्ति सप्रा जी आएगी दो गीत 10 मिनट के लिए। हमारे राम कुमार जी जुड़े हुए दिल्ली प्रांत से जहर उनका स्वागत करता हूँ। माता ईश्वर देवी जी का भी मदद पर लगेगा। आइए दीप्ति जी। को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज का विषय एक शाम महर्षि दयानंद के नाम। बहुत सुंदर सुंदर ऋषि के गीत सुन रही थी मैं। आइए ऋषि का गुणगान करते हैं मस्ती से। ऋषि वो फरिश्ता था दिलों को करार दी गया। ऋषि वो फरिश्ता था दिलों को करार दी गया। उजड़े चमन को फिर बाहर दी गया। ऋषि वो फरिश्ता था दिलों को करार दी गया। फिर भी नहीं जग ने समझा ढाई सितम तुझ पर क्या क्या। जुल्म रात दिन सहता रहा अपनी जुबां से कहता रहा। हे मालिक इन नादानों पर करते रहना दया। ऋषि वो फरिश्ता था दिलों को करार दी गया। मात पिता को छोड़ दिया घर से नाता तोड़ दिया। हिम की चट्टानों पे खड़ा रोक न पाई अलखनंदा। जख्मों पे जख्म लगे पैरों में फिर भी चलता गया। ऋषि वो फरिश्ता था दिलों को करार दे गया। मंदिर मस्जिद मंदिर चर्च मीनारों में धर्म था बंद पिटारों में। मंदिर चर्च मीनारों में धर्म था बंद पिटारों में। सच की होली जलती थी जुदाल झूठ की गलती थी। मत पंथों ने आकर खोला था अन्याय नया। ऋषि वो फरिश्ता था दिलों को करार दी गया। कर्मठ दीन अनाथ दुखी आने पर सब हुए सुखी। कर्मठ दीन अनाथ दुखी आने पर सब हुए सुखी। विधवाओं की मांग सजी वेदों की शहनाई बजी। गौतम कपिल कणाद जैमिनी की दास्ता जग को सुना गया। ऋषि वो फरिश्ता था दिलों को करार दे गया। ऋषि वो फरिश्ता था दिलों को करार दे गया। जहां से निराला देवता हमारा देवता हमारा हमें बड़ा प्यारा। जहां से निराला देवता हमारा देवता हमारा हमें बड़ा प्यारा। धारा में बह रही थी आर्यों की नैया। धारा में बह रही थी आर्यों की नैया।
मैया हजारों छेद इसमें बनी ना खिवैया पावर से निकाला हो भवर से निकाल के लगाई किनारा हमें बड़ा प्यारा जहां से निराला देवता हमारा हमें बड़ा प्यारा चारों ओर पापियों का कितना बोलबाला था चारों ओर पापियों का कितना बोलबाला था कोई भी विरोध में कुछ भी कहने वाला था खोल खोल पोल सबकी हो खोल खोल पोल सबकी रंग सब उतारा हमें बड़ा प्यारा मनु ने लिखा है जिनको महान विभूतियां मनु ने लिखा है जिनको महान विभूतियां उन्हीं को बताया गया पैरों की जूतियां ऋषि ने उन्हीं को कहा हो ऋषि ने उन्हीं को कहा कर्म का सितारा हमें बड़ा प्यारा जहां से निराला देवता हमारा हमें बड़ा प्यारा जिसने हमको जीना सिखाया उसी को बिमोल हमने जहर पिलाया ऋषि ने उसी को समझा हो ऋषि ने उसी को समझा प्राणों से भी प्यारा हमें बड़ा प्यारा जहां से निराला देवता हमारा हमें बड़ा प्यारा देवता हमारा अंत में दो पंक्तियां ऋषि के लिए कहना चाहूंगी हर तारा गगन का न कभी चंद होता है हर फूल शाख का न कभी कंद होता है यूं तो देखे हैं ऋषि अनेकों पर हर ऋषि न कभी दयानंद होता है न कभी दयानंद होता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छे कवाल कर दिया अब मैं आमंत्रित करता हूँ रजनी गर्ग जी आर एस पपी त्योहार से एक सुंदर गीत फिर ईश्वर देवी जी फिर रविंद्र गुप्ता जी को दोबारा चांस आइए रजनी गर्ग जी आप सभी को सादर नमस्ते नमस्ते जी स्वागत बहुत सुंदर सुंदर भजन चल रहे हैं दीप्ति जी ने बहुत सुंदर सुंदर ऋषि गीत सुनाए नरेंद्र जी ने और सभी ने मैं भी उसी कड़ी में और ऋषि गीत सुनाई मुख में पड़े थे मौत की जिसने हमें जला दिया मुख में पड़े थे मौत के किसने हमें जिला दिया अमृत महान वेद का किसने हमें पिला दिया जगमग दिवाली ढूंढती लेके सहस्त्र दीप को जगमग दिवाली ढूंढती लेके सहस्त्र दीप को दीपक महर्षि चंद्र सा किसने कहां छिपा दिया दीपक महर्षि चंद्र सा किसने कहां छिपा दिया दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया
दीप जलाने आया दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया दीप जलाने आया भूल चुके थे राय भूल चुके थे राहें अपनी वो दिखलाने आया दीप जलाने आया घोर अंधेरा छाया नजर नहीं आता था मानव मानव की ठोकर से यहाँ ठुकराया जाता यहाँ ठुकराया जाता ओ आर्य जाति सोई पड़ी थी घर घर जाके जगाया दीप जलाने आया बंट गए टुकड़े टुकड़े भारत जागीरों में शासन करते लोग विदेशी जोश नहीं था वीरों में जोश नहीं था वीरों में ओ भारत माँ को मुक्त करा गए जकड़ी जंजीरों से जकड़ी जंजीरों से दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया दीप जलाने आया जब तक चांद सितारे कुदरत के ये नजारे सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत सारी जंगल पर्वत सारियो अमर रहेगा नाम ऋषि का जब तक चांद सितारे जब तक चांद सितारे दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया दीप जलाने आया। बस एक दो लाइन गाय के ऊपर और बोल रही हूँ गाय माता के ऊपर आज क्योंकि आज गोवर्धन पर्व है इसलिए गैया मैया करे पुकार कहाँ गए वो आर्य कुमार राम राज्य में आकर देखो चलती है मुझ पर तलवार गैया मैया करे पुकार कहाँ गए वो आर्य कुमार राम राज्य में आकर देखो चलती तलवार योगी राज महाराज कृष्ण ने जब मुझको अपनाया था जब मुझको अपनाया था नगर नगर और ग्राम ग्राम में दूध का प्याऊ लगाया था दूध का प्याऊ लगाया था मक्खन घी सब खाते थे
रोग निकट नहीं आते थे, जग के गुरु कहते थे, ज्ञान कथा भारी भंडार, गैया मैया करे पुकार, कहाँ गए वो आर्य कुमार, राम राज्य में आकर देखो, चलती है मुझ पर तलवार, ऋषि दयानंद स्वामी ने जब मेरी सुनी कहानी थी, मेरी सुनी कहानी थी, करुणा निधि ने गौ करुणा में मेरी कथा बखानी थी, मेरी कथा बखानी थी, दुख मेरा नहीं सहते थे, नैनों नीर बहाते थे, रो रो कर वो कहते थे, निश दिन कटी कई हजार, गैया मैया करे पुकार, कहाँ गए वो आर्य कुमार, राम राज्य में आकर देखो, चलती है मुझ पर तलवार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सब समय देने के लिए। बहुत सुंदर गीत, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत लंबा है पर अभी मैंने थोड़ा सा ही गाया है। चलो फिर से मौका मिलता रहेगा बाद में। एक सूचना दे दो, इस मेले के कार्यक्रम 2, 4, 6, 8, 10, 30 तक चलेंगे, और क्योंकि 6 का कुल भैया दूज है, तो आज हमारी परंपरा थी दिवाली का करेगी, उस परंपरा को निभाया, 6-7 को कार्यक्रम नहीं होगा, आगे फिर 8, 10, 12, 14 सारे कार्यक्रम पूर्व चलेंगे, तो 2 दिन आप एंजॉय करेंगे। ईश्वर नमस्ते जी। देखो वो स्वामी कैसा, देखो तो स्वामी कैसा, उपकार कर गया भारत निवासियों को, बेदार कर गया। देखो तो स्वामी कैसा, देखो तो स्वामी कैसा, उपकार कर गया भारत निवासियों को, बेदार कर गया। बेहोश बेखबर हम सोए हुए पड़े थे, सोए हुए पड़े थे, सबको जगा जगा कर, सबको जगा जगा कर, होशियार कर गया। देखो तो स्वामी कैसा, उपकार कर गया। भारत की दुर्दशा में कोई कसर नहीं थी, कोई कसर नहीं थी, करके समाज कायम, करके समाज कायम, उद्धार कर गया भारत निवासियों को, बेदार कर गया। वेदों का नाम तक भी भूले थे लोग सभी, भूले थे लोग सभी, वे हर जगह पे उनका, वे हर जगह वेदों का, विस्तार कर गया भारत निवासियों को, बेदार कर गया। देखो तो स्वामी कैसा, उपकार कर गया भारत निवासियों को, बेदार कर गया। माने ना माने कोई, पर सच तो है ये सालिग, पर सच तो है ये सालिग, बागे धर्म को स्वामी, बागे धर्म को स्वामी, गुलजार कर गया भारत निवासियों को, बेदार कर गया। देखो तो स्वामी कैसा, देखो तो स्वामी कैसा,
उपकार कर गया भारत निवासियों को बेदार कर गया। धन्यवाद आपका बहुत 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 धन्यवाद बात है ईश्वर देवी जी। राम कुमार जी दिल्ली प्रांत से चाले जुड़े बड़े दिन बाद बचाऊंगा दो शब्द राम कुमार जी भी अपने शुभकामना देते उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी फिर आवाज से राम कुमार जी बोलिए। पांच बटन नीचे पहले कोकली लगा के म्यूट का म्यूट हो जाएगा। राम कुमार जी आरुष दिल्ली प्रांत के बारे से चालक है व्यस्त व्यक्ति आज आए हैं स्वागत है। हेलो आवाज आ रही क्या? आवाज भी आ रही फोटो भी आ रही बोलिए। चलो नमस्ते जी सबको नमस्ते जी। आज इस अवसर पर सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और महर्षि दयानंद के निर्वाण दिवस और आज गोवर्धन पूजा की सभी को श्रद्धांजलि और बधाई। ये आपका जो कार्यक्रम है वो निश्चित ही चलता रहता है। ये कम से कम ये इस कोरोना काल में जागृति जो है देश में और विदेश में आर्य समाज की आपके द्वारा बनाई गई है इसको आप जारी रखें और जब कोरोना काल खत्म हो जाए तो साक्षात भी कार्यक्रम शुरू करे जाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम कुमार जी। 14 नवंबर को मेरा जन्मदिन जिस प्रकार हर साल होता था तो 14 नवंबर रविवार है 5 से 7:30 सुबह जी की संध्या आर्य समाज अशोक फेसबुक दिल्ली भी होगी निकट केशवपुर मेट्रो स्टेशन उसके बाद प्रीति भोज भी है गोलगप्पे पापड़ी भल्ले भी रहेंगे आप सुबह एंजॉय करने के लिए सह परिवार साथ निमंत्रित है निकट केशवपुर मेट्रो स्टेशन। हम आएंगे रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से एक मधुर भजन गीत स्वागत है जो हमारे वेबिनार में आ रहे हैं ना कभी तक पहले उनके भजन होंगे। जी जी सभी श्रोताओं को एक बार फिर नमन। ऋषि भजनों की श्रृंखला में आइए एक और भजन जो पथिक जी द्वारा रचित है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। मेरे और होगा जमाने में होंगे बहुत लोग पैदा दयानंद साना कोई और होगा। चरित्र है देव बड़े ऊंचे ऊंचे नजर भर इधर भी जरा देख लेना। चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे नजर भर इधर भी जरा देख लेना। चरित्र मिलेगा तुमको ऋषिवर का ऐसा न देखा सुना ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। इधर था अकेला प्यारा ऋषिवर हमारा उधर था विरोधी जमाना ये सारा। इधर था अकेला प्यारा ऋषिवर हमारा उधर था विरोधी जमाना ये सारा। विजय पाने वाला दयानंद जैसा न अब तक हुआ है न कोई और होगा।
मेरे देवता के बराबर जहां कहीं भी जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। उठाकर जमाने का इतिहास देखो तो अपनों के लाखों हितेशी मिलेंगे। उठाकर जमाने का इतिहास देखो तो अपनों के लाखों हितेशी मिलेंगे। मगर दुश्मनों का भी हित चाहने वाला ऋषि के सिवा ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। दयानंद दुखियों के दुख में था रोया, नींद भी गवाई ना रातों में सोया। दयानंद दुखियों के दुख में था रोया, नींद भी गवाई ना रातों में सोया। पथिक ये बताएं हम कैसे सुनाएं, पथिक ये बताएं हम कैसे सुनाएं, नरशिवर के जैसा कोई दयावान होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और हो, कहीं देव बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। बाद आज के अध्यक्ष सुदेश पारे हरि जी फिर एक दो भजन फिर शांति पाठ 8 तारीख को 5 बजे फिर भी रहेंगे श्रुति सेतिया के साथ। जी जी मेरा सभी को नमन। एक शाम महर्षि दयानंद जी के नाम हर साल दिल्ली हाट पीतमपुरा में आयोजित किया जाता था। विभिन्न आर्य समाजों के सदस्यों को सम्मानित किया जाता था। वो है हमारे भाई अनिल आर्य जी, जिनमें से हमारी दिलशाद गार्डन को भी उन्होंने सम्मानित किया और उसमें उन्होंने मुझे भी दिया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो समय कब आएगा पता नहीं, पर इस माध्यम ऑनलाइन के माध्यम से बहुत परिवारों को हमने देखा और सबका नाम जाना, सबको बहुत अच्छा लगता है। ये इतने संगठनों को इन्होंने जोड़ के रखा है तो बहुत आनंद आता है। वैसे मैं इसी पे एक ऋषि जी का ही गीत सुना रही हूँ आपको। आ लौट के आजा दयानंद, आ लौट के आजा दयानंद, तुझे हमें आज बुलाते हैं। तेरा महका हुआ है गुलशन, तेरा महका हुआ है गुलशन, तुझे हम आज बुलाते हैं। आ लौट के आओ दयानंद, शिव जी का व्रत करे, शंका त्याग करे, निकला था जोगी निराला। नारी का उद्धार किया महा उपकार, राह को दिखाने वाला। तुझे बांधती है मन में उमंग, तुझे बांधती है मन में उमंग, तुझे हमें आज बुलाते हैं। आ लौट के आजा दयानंद, लोगों को अपने दिया, खुद ने जहर पिया, स्वामी थे भाव निराले। सबका कल्याण किया, विद्या का दान जग में किए थे उजाले।
मेरे ऐसे थे स्वामी दयानंद, मेरे ऐसे थे स्वामी दयानंद, तुझे हमें आज बुलाते हैं। आ लौट के आजा दयानंद, तुझे हमें आज बुलाते हैं। वेदों का ज्ञान है बड़ा ही महान है, ऋषि ने था जो सुनाया। कैसा निराला ज्ञान सारे जगत का मान, स्वामी तू फिर से यो आया। तूने जीने का सिखाया नया ढंग, तूने जीने का सिखाया नया ढंग, तुझे हमें आज बुलाते हैं। आ लौट के आजा दयानंद, तुझे हमें आज बुलाते। तेरा महका हुआ है गुलशन, तेरा महका हुआ है गुलशन, तुझे हम आज बुलाते हैं। मेरा शत नमन ऋषि जी को। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल भंडारी जी, जैसा कि आपने याद दिलाया सबर के लिए। तो हम हमेशा याद रखते हैं वो दिन कि हर साल इस समय पीतमपुरा में किया जाता था। 14 नवंबर को वही नजारा होगा। धन्यवाद जी। पहले गोलगप्पे भापड़ी भल्ले सब चले गए, बहुत खाना मिलता था, रात का खाना भी मिलता था खा के। अब भी राजमा चावल बनेंगे, तंदूर की रोटी बनेगी, बोशादर पनीर की सब्जी, और जो भी निवेद भजन गा रहे हैं उन सबको सम्मानित भी किया जाएगा। स्वागत है। अब आज के अध्यक्ष श्रीमती सुदेश बिरारे जी, आर्य समाज सूर्य निकेतन से शिशु बिरारे जी त्रिपति, आत्मा उद्बोधन महादर्शन शुभकामने, उसके बाद एक तो भजन फिर शांति पाठ। आइए सुदेश बिरारे सभी को सादर नमस्ते, नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। दीपावली की आज के कार्यक्रम के संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्या जी, संगीत संध्या में मधुर भजनों द्वारा आनंदित करने वाली संतोष जी, प्रतिभा कटारिया जी, कमलेश चांदना जी, अनीता गुरेजा जी, दीप्ति सपरा जी, रजनी गर्ग जी, रजनी चुग जी, श्री रविंद्र गुप्ता जी व मुख्य अतिथि नरेश खन्ना जी द्वारा तथा सम्मिलित हुए सभी महानुभावों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया बहुत ही सुंदर गीत, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। हर वर्ष की तरह इस बार भी यह कार्यक्रम दिल्ली हाट में ना हो पाने की स्थिति में इसे ऑनलाइन करके ही हम सब जुड़ पाए हैं और संगीत संध्या का आनंद ले पाए हैं। इसके लिए मैं आयोजकों की बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। महर्षि दयानंद की याद में मैं भी एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, आशा है आपको पसंद आएगा। सूरज बन दूर किया जिसने, पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा। मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरुवीर दयानंद का चेला, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा। सूरज बन दूर किया जिसने, पापों अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा। गुरुवर को था जो वचन दिया, प्राणों के साथ निभाया,
प्राणों के साथ निभाया, गुरुवर को था जो वचन दिया, प्राणों के साथ निभाया, और पर उपकार में ही जिसने अपना सर्वस्व लुटाया, अपना सर्वस्व लुटाया, तज भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं देखा सांझ सवेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, जहाँ लाख करोड़ों दुखी जनों का दर्द था जिसके दिल में, दर्द था जिसके दिल में, जहाँ लाख करोड़ों दुखी जनों का दर्द था जिसके दिल में, पत्थर खाए और जहर पिया, हंसता ही रहा मुश्किल में, हंसता ही रहा मुश्किल में, यहाँ जिसकी बदौलत सत्य धर्म ने डाला अपना डेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव दयानंद मेरा, सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, यहाँ छुआछूत और भेदभाव के लाखों थे मतवाले, लाखों थे मतवाले, यहाँ छुआछूत और भेदभाव के लाखों थे मतवाले, और भोले भाले लोगों को दसते थे विषधर काले, दसते थे विषधर काले, पर वेद की बीन बजा करके कर गया मस्त सपेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु विरजानंद का चेला, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, ओम शांति सभी का हार्दिक धन्यवाद। सुदेश वीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि यशवीर आर्य जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, दो मिनट वो भी अपनी शुभकामनाएं आशीर्वाद दे दे, उसके बाद मैं देख रहा हूँ। एक मिनट यशवीर जी, माता जनक अरोड़ा जी भी हमारे बीच में है, कविता आर्य जी भी जुड़ी है, नरेंद्र सुमन जी भी जुड़ी है, तो सुमित्रा गुप्ता जी है, बधु खेड़ा जी भी है, तो चार चार मिनट के दो तीन बजे, क्योंकि फिर छह और सात को कार्यक्रम नहीं होगा, आठ को मिलेंगे। आइए यशवीर जी। अनिल जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, सुनने में बहुत अधिक आनंद आया, और ऐसा लगा ही नहीं कि हम
आज दिल्ली हाट में नहीं बैठे हैं, ऐसा लगा कि यहाँ पर बैठे भी वही आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं का भी, और जिन्होंने भजन सुनाए, बहुत मतलब ये समझ लिए कि अलग अलग तरह के नए नए भजन सामने आए, बहुत अच्छा लगा। मेरी सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद। यशवीर जी का धन्यवाद। आज उनकी विश्वकर्मा डे की छुट्टी थी व्यक्ति की, तो मैंने सोचा आज लाभ उठा लिया जाए, ये तो बहुत व्यस्त रहते हैं। अब कविता आ रही थी सुनाएगी कुछ केशव पुरम से, धिर आ रहे सुमत जी पश्चिम बिहार से, रेखा गौतम जी हिसार से, जनक रोड़ा जी पानीपत से, फिर शांति भट्ट। कामनाएं दूंगी अनिल आर्य जी, स्वागत है आपका, स्वागत। दिल्ली हार्ट का जैसे अभी बोल रहे थे तो दिल्ली हार्ट का प्रोग्राम चल रहा है, भजनों का आनंद ले रहे हैं, तो आप सभी को महर्षि दयानंद जी के निर्वाण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक ऋषि गीत सुना दो। नहीं अभी मैं उस मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरा सारा ये तामझाम सब ऊपर है। दीदी ऐसे चार पंक्तियां सुना दो, तामझाम की क्या जरूरत है, चार पंक्तियां सुना दो। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। संपूर्ण आयु जीते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। संपूर्ण आयु जीते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। कहा कि महर्षि दयानंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए ही और अपनी आर्य जाति के उत्थान के लिए किया, तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। वेद भाष्य पूरे होते सर्वत्र जग मगाते, अंधकार बह रहा जो ये भी कभी न होता, अंधकार बह रहा जो ये भी कभी न होता। यूं ही दीप ना जलाते उनमें भी बात होती, उनमें भी बात होती। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। सत्यार्थ को बताते सत्य मार्ग पर चलाते, वेदों का सूर्य बनकर सबको प्रकाश देते, दीपावली से बढ़कर एक और ज्योति होती, एक और ज्योति होती। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। वेदों की पाठ विधि को गुरुदंडी ने बताया, वैसी ही पाठ विधि को ऋषि भी हमें बताते,
वैसी ही पाठ विधि को ऋषि भी हमें बताते, गुरु मुख से पाठ होता। पिछे उठो ही बंद कर देंगे मेरी बड़ी लवली ने जैसे मैं आज बोलना ही नहीं। कुछ और बात होती, ऋषि जो जोधपुर न जाते बात तैयार बात होती, संपूर्ण आयु जीते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। बोलिए महर्षि दयानंद की जय हो। बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे रोटेट लगा दी पारी बस से माता चंद्र करोड़ा जी एक भजन, फिर बधु खेड़ा जी बजाई भाग से तैयार रहे, विजय लक्ष्मी जी जिनकी इच्छा है, क्योंकि दो दिन तो फिर आपका का। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। फोटो तो नहीं आ रही, यहाँ पता नहीं क्या। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने दिल में रख लिया। ऋषि ऋषि का भजन एक, महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। तिमिर छा रहा था अविद्या की भू पर, गगन में दिवाकर नया बन के आया। तिमिर छा नया बन के आया, किसी का खोया किसी का खुदा आसमान में पड़ा था, किसी का प्रभु क्षीर सागर में सोया। धरा पर बहुत ईश्वर लग रहे थे, सभी में वो व्यापक ऋषि ने बताया। महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। ये मानव भटकता चला जा रहा था, नहीं जानता था किधर जा रहा था, ये मानव भटकता चला जा रहा था, नहीं जानता था किधर जा रहा था। दयालु दयानंद भटकते जहां का, रहनुमा वा सहारा देवता बन के आया। महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। हमारी सरस संस्कृति मिट रही थी, सरल वेदवाणी विदा हो चुकी थी। हमारी सरस संस्कृति मिट रही थी, सरल वेदवाणी विदा हो चुकी थी। दिनी हम हमारे, दिनी हम तुम्हारे, महर्षि हमारे, उन्हें जगत को तूने आन जिलाया। महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। ऋषि राज मेरी ये अर्चना है, तुम्हारे चरण में
यही वंदना है। ऋषि राज मेरी यही अर्चना है, तुम्हारे चरण में यही वंदना है। माने न माने कोई पर दयानंद, सकल विश्व का तू सखा बन के आया। मैं है ऋषि दयानंद, दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। तिमिर छा रहा था अविद्या की भू पर, गगन में दिवाकर बन के वो आया। महर्षि दयानंद, दया का था सागर, जगत में व्यथा की दवा बन के आ। धन्यवाद बहुत बहुत अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद पारिभाषा चरण बता जी। अब आज का अंतिम गीत कर्नल डॉक्टर बिपिन खेड़ा जी बजाई बाग से, उसके बाद परवीर जी द्वारा शांति पाठ। आइए डॉक्टर कर्नल बिपिन खेड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते अनिल जी, धन्यवाद। स्वागत। आज का गीत है दयानंद के सैनिक। जब चारों ओर जहालत थी, इस देश की बिगड़ी हालत थी, सब ओर अविद्या फैली थी, चादर फैली थी। ओ, जब धर्म के ठेकेदारों का, अंग्रेज के अत्याचारों का आतंक सभी पर छाया था, गैरत को पसीना आया था। ओ, 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 होती थी शादी बचपन में, लड़के बर्बाद लड़कपन में, जो लड़की विधवा होती थी, जीवन भर बैठी रोती थी। मिलते ईसाइयों से या मुसलमान बन जाते थे, शीश झुकाते थे। ओ, तब ऋषि दयानंद आया था, वेदों का बिगुल बजाया, तोड़ दिए वह मौके बड़े फोड़ दिए। हर पर्वत से टकराया था, सागर को भी आजमाया था, मुंह मोड़ दिया तूफानों का, दिल मोम किया चट्टानों का। ओ, कोई आज भी बाकी रहता हो जो वेद अनर्गल कहता हो, जब भी चाहे वो आ जावे, अपना हर भर्म मिटा जावे। ओ, अभी बोला करो। हम दयानंद के सैनिक हैं और देश धर्म के रक्षक हैं, हम नहीं किसी से डरते हैं, रक्षा अपनी खुद करते हैं। ओ, जो टेढ़ी आंख दिखाएगा हमको हानि पहुंचाएगा, मिट्टी में उसे मिला देंगे और नाम निशान मिटा देंगे। ओ, कह देते हैं मक्कारों, पथिक तैयार हैं हम। ओ, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आज का गीत सबसे सुंदर आपका रहा, फर्स्ट प्राइज आपको मिलेगा। धन्यवाद। अब समय तो अधिक हो चुका है, किसी की विशेष इच्छा हो तो एक गीत और करा लेते हैं, ये तो शांति पाठ। अब मिथिलेश गौड़ जी सुना लो जी, दिल की बात दिल में ना रह जाए। धन्यवाद। सुनाओ जी, सुनाओ जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही। बोलिए, आवाज फोटो दोनों आ रही, बोलिए जी। दयानंद जी नहीं है?
वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा फहरा दिया ऋषि दयानंद ने, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, अज्ञान अविद्या की हर ओर घनघोर घटाएं छाई थी, अज्ञान अविद्या की घनघोर घटाएं छाई थी, कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा फहरा दिया ऋषि दयानंद ने, सिर पर तूफान बला का था नजरों से दूर किनारा था, सिर पर तूफान बला का था नजरों से दूर किनारा था, बनकर मल्लाह किनारे पर पहुंचा दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा फहरा दिया ऋषि दयानंद ने, घुस गए लुटेरे घर में थे सब माल लूट कर ले जाते, घुस गए लुटेरे घर में थे सब माल लूट कर ले जाते, सोने वालों का हाथ पकड़ कर बिठा दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा फहरा दिया ऋषि दयानंद ने, मक्कारी दया फरेबों से माल मुफ्त का खाते थे, मक्कारी दगा फरेबों से जो माल मुफ्त का खाते थे, सब पोल खोल कर दिल उनका, सब पोल खोल कर दिल उनका दहला दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा फहरा दिया ऋषि दयानंद ने, उड़ गए होश मतवालों के मैदान छोड़ कर भाग गए, उड़ गए होश मतवालों के मैदान छोड़ कर भाग गए, हथियार तर्क का निकाल जब चमका दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा फहरा दिया ऋषि दयानंद ने, कब्रों पे सिर को पटकते थे दौड़े दौड़े जो फिरते थे, कब्रों पे सिर को पटकते थे दौड़े दौड़े जो फिरते थे, दे ज्ञान उन्हें मुक्ति का मार दिखला दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा फहरा दिया ऋषि दयानंद ने, करते थे हमेशा चीख चीख तोहीन जो पावन वेदों की, करते थे हमेशा चीख चीख जो तोहीन पावन वेदों की, सुर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा पहरा दिया ऋषि दयानंद ने, सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा पहरा दिया ऋषि दयानंद ने, विद्यालय गुरुकुल खुलवाए कायम हर जगह समाज किए, विद्यालय गुरुकुल खुलवाए कायम हर जगह समाज किए, आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा पहरा दिया ऋषि दयानंद ने, बलिदान किया बल वेदी पर जीवन प्रकाश हंसते हंसते, बलिदान किया बल वेदी पर जीवन प्रकाश हंसते हंसते, सच्चा रहे वर बन कर सबको, सच्चा रहे वर बन कर सबको दयानंद ने,
वेदों का आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। धन्यवाद समय दिया तो ये बात एक साल बाद ही मिलेगा ऋषि जी का, इसलिए भी आज ही हुआ है। विजय लक्ष्मी जी धन्यवाद आपका। विजय लक्ष्मी जी कुछ कहेगी या प्रवीत जी शांति पाठ कराए तो दबाव पर भी रह रहा जाए। विजय लक्ष्मी आ रहे थे जनकपुरी से जी। अनिल जी चेक करने के बाद नहीं काफी देर हो गई है, लेकिन मैंने कभी अटेंड नहीं किया आपका प्रोग्राम जो आप बता रहे हो सब लोग, लेकिन मैं कल्पना ही कर रही हूँ कितना अच्छा का माहौल होता होगा। तो अब एक हजार लोग दिए जलाते हैं वहाँ और लगकर चलते हैं, बहुत बढ़िया वीडियो भेजते हैं। हाँ मैं सुन रही हूँ तो मुझे कल्पना ही कर रही हूँ कि कितना मनोरम दृश्य होता होगा और कितना उत्सव का माहौल होता होगा। तो बिल्कुल हाँ जी टाइम हो गया बहुत, लेकिन मैं भी रुक नहीं पा रही तो चार ही लाइने बोलती हूँ सिर्फ। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दिया हमको इतना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया, वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले हमको भी चलाया। वेदों की वाणी को सुनकर मिला आनंद अपार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी जी। अब परवीर आर्य जी से प्रार्थना करूंगा गाजियाबाद से, धन्यवाद और शांति पाठ कराए। 8 तारीख को 5 बजे फिर मिलेंगे, 6 और 7 की छुट्टी। आइए परवीर जी। परवीर जी गाजियाबाद। हाँ जी, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, आज का आयोजन ऋषि के प्रति समर्पित रहा और मैं समझता हूँ कि बहुत ही सुंदर यह कार्यक्रम आज का रहा, और इसके लिए सभी प्रतिभागियों का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और श्रोताओं का भी जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। और मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, जब जब भी आपको ऐसे सुंदर आयोजन की सूचना मिले, लिंक मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें, कार्यक्रम की शोभा को चार चांद लगाते रहे और अन्य साथियों को भी इसकी सूचना देते रहे ताकि वो भी लाभान्वित हो सके धर्म लाभ से। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। गहरा लंबा सांस भरते हुए ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वम शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि ॐ शांति शांति शांति। जो बोले वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु मैं ऋषि दयानंद की, गुरुवर विरजानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीरों की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रवीण जी आपका भी मन कर होगा ऋषि गीत सुनाने का, पर ऑर्गेनाइज कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? प्रवीण जी दुकान पे बैठे, मन तो जरूर कर रहा होगा, मजबूरी थी। मन तो कर, चलो अब नेक्स्ट टाइम आप सुनाइएगा, परसों प्रवीण अगले प्रोग्राम में प्रवीण जी आप सुनाइएगा ऋषि गीत, मिस कर रहे हैं प्रवीण जी का ऋषि गीत। और प्रवीण जी की दो लाइनों की कमी खलेगी, अनिल भाई साहब का भी, अनिल भाई साहब का भी, अनिल जी और आप दोनों आठ को मिलते हैं, अनिल जी और आप ऋषि गीत सुनाएंगे, ठीक है जी। अगली बार अनिल जी आप